खबर जनपद बरेली तहसील नवाबगंज क्षेत्र से है, जहां इलाज के दौरान घर लौटे बागेश पुत्र होरीलाल को रास्ता सही न होने के कारण गहरे पानी से गुजरते हुए चारपाई से लाना पड़ा। आपको बता दें कि अवजेश पुत्र होरीलाल निवासी ग्राम जरपा मोहनपुर 3 माह पहले मजदूरी करने के लिए आंध्र प्रदेश गया होता है। जिस दौरान काम करते समय खोलता पानी गिर गया और बुरी तरह से युवक झुलस गया था। आनंद फानंद में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और इलाज के बाद छुट्टी होकर घर लौटते समय रास्ता सही ना होने के कारण एम्बुलेंस चालक ने विजेश को नोगावा भगवंतपुर में छोड़ दिया था। वहां से उसके परिजन जेश को चारपाई पर लेकर घर पहुंचे। 2 किलोमीटर पानी से गुजरते हुए जारपा मोहनपुर स्थित घर लेकर आए, जहां पर जारपा मोहनपुर जनपद बरेली बॉर्डर पर देवाहा नदी के समीप बसा हुआ गाँव, जो कि विकास की दृष्टि से बहुत ही बिछड़ा हुआ है। गाँव में आने जाने हेतु कोई भी संपर्क मार्ग नहीं। आज भी गांव विकास की दृष्टि को कोसों दूर है। आज भी गांव में कोई सुधार नहीं हुआ था। इसी वजह से ग्रामवासियों ने 2024 लोकसभा चुनाव का बहिष्कार भी किया था। प्राइम न्यूज चैनल के लिए सुशील चंद वर्मा, बरेली, उत्तर प्रदेश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष। अच्छा, ये जो चारपाई पे लेटे ये कौन है? ये हमारा भतीजा है। ये एक कैसे करके ये जले? ये आंध्र प्रदेश काम करने गया मजदूरी का। हाँ। तो वहाँ एक कंपनी थी, उसमें नमक का पानी खोल रहा था। ये धोखे से किसी वजह से उसमें गिर गया, तो कुछ दिनों उसकी वहाँ इलाज चली। फिर वो ठेकेदार ने पैसे उसे तो दिए नहीं, उसको वो भी ज़्यादा पैसे वाला नहीं था। उसकी वजह से उसे छुट्टी करवा के लाए, तो उसे बरेली इलाज कराया। बरेली इलाज करने बाद में आज छुट्टी पर आया। ये छुट्टी पे आए तो एम्बुलेंस वगैरह? एम्बुलेंस नकटी नारायणपुर तक आया। हमारे गांव का रास्ता बहुत ख़राब है, यहाँ से तो फिर वहाँ से चारपाई से लाना पड़ता है। नकटी नारायणपुर से ट्रैक्टर से लाए नौवा भगवंतपुर तक। वहाँ से रास्ता बहुत ख़राब है, इसलिए चारपाई से जाना पड़ता। कीचड़ है, पानी भरा हुआ है। कितनी दूर तक है ये रास्ता? ये 2 किलोमीटर है। हालत सही है फिलहाल? आराम है? आराम तो है फिलहाल, भी इलाज तो चलेगा।